अस्सलामुअलैकुम। क्या हालचाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मरदुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक ममी। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मटन बिरयानी, लेयर्ड मटन बिरयानी रेसिपी कुकिंग इन विलेज गॉट बिरयानी कुकिंग ईटिंग। ये पता नहीं ये तमिलनाडु के हैं या कर्नाटक के हैं, तो ये जी बिरयानी बनाएंगे और ये इनका चैनल जो है वो काफी बड़ा है, तो ये बड़ी रिकमेंडेड वीडियो है भाई साहब। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। कॉर्नर करते हैं, 3 2 1 स्टार्ट। ஆட்ட கறியில அதுக்கு பிரியாணி செம்மரா சமைக்கிறோம், பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு புட்டு எல்லாரும் வாங்க. ஆல்வேஸ் வெல்கம் யூ. बकरा बिरयानी आई, मटन बिरयानी बकरा ही है, पाकिस्तान नहीं है। कैंसल हो गया। ये देख के ना तेरे को मन कर रहा है। अरे है हल्दी, ये बहुत बढ़िया मिर्च, मिर्च की हल्दी है, हल्दी है भाई। Thank you.
பஞ்சர் சேர்ந்து அரைச்சு மிளகா சேர்ந்து தயிரில் ஊற வச்ச இளங்கிட்டா கறி ज़्यादा पड़ती है।
इसको मिक्स करना है। माया मजा चंगल अच्छा मार रहा है। क्या बात है जी, हाय 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 भाई, तो तुझे खिलाना है उन्होंने। भूख लग गई है, 5 घंटे हो गए मंदो को काम करते, कह रहा है खुद ही खाना था। देखना है बात ये है कि उन लोगों ने खाना बड़ा ही कमाल का, जो ये मटन बिरयानी बनाई गई थी वो दिखने में यकीन माने लग रहा था कि कोई चीज बनी है। हमें थोड़ी थोड़ी सी भूख, हमारे मुंह से पानी आ रहा। सही बात है, हमारी तो फेवरेट थी, पानी कैसे नहीं। हाँ, ये भी है, बिरयानी हम खाते भी शौक से। और इस बात में एक तो उनका जो माहौल था वो देसी सा था, कि एक तो जो बर्तन नोट किए पुराने जमाने के, हमारे यहाँ जब शुरुआत में पीतल के जो तांबे के बर्तन होते हैं वो थे इस तौर, इधर भी, और खुला खुला उन्होंने बनाया सारा कुछ देसी और जेन्युइन चीज, जेन्युइन चीजें भाई, सारी सारी चीजें उन्होंने अच्छे से डाले जेन्युइन। और उनका जो मर्चे पीसने का जो स्टाइल था, मसाला जार जो सारे वो पत्थर के ऊपर वो जिस तरह पीस रहे थे वो बड़ा, और लकड़ियों के ऊपर लकड़ियों की आग के ऊपर उसकी तस्वीर जो है वो तो लेकिन तारक भाई थोड़ा सा ना इसके अंदर ना मुश्किल काम था, लेकिन जो ना जो रेसिपी बनाई है वो कमाल की बनती है, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। हाँ, अगर वो हमारी तो जितना हम गांव के अंदर बनाते हैं वो हाथों से सारा काम कर रहे हैं तो तुम जो मुश्किल तो है, टाइम भी तो ज्यादा लगता है। वो हमारे कुछ जो सिंपल हर तरह की डिश होती है, ये बिरयानी जो है ये इस तरीके से बनती है, वो जो पुलाव होता है जो दूसरे जो तरीके से बनता है कि गोश्त डाल दिया वो बीच में पानी डाल के वो बीच में एक ही बर्तन के अंदर वो कर देते हैं ना, तो वो अलग तरीका का है, ये अलग है। तो ये तरीका है, इसके अंदर भाई साहब इतना ज्यादा टाइम लगा उतनी ज्यादा टेस्ट भी तो टाइम इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, मेहनत भी ज्यादा लगती है। तो साफ जाहिर है भाई साहब ये चीज जो है ये बनी भी कमाल की थी, चावल भी बड़े अच्छे थे, लोग खाएंगे भी तो ज्यादा ना। और भाई सबसे जो एक एंड पे जो पार्ट यकीन माने मेरा वो तो था, मौसम कह रहा है कि भाई खुद ही खाने लग गए, तो मैंने कहा भाई 5-6 घंटे हो गए बंदों को खाना बनाते हैं, अब वो खुद ना खाए भूखे रह जाए। नहीं, उनका हक बनता था। हाँ? बिल्कुल, उन्होंने भी मेहनत भी की और वो चखते हैं ना कि भाई कैसी बनी है। बिल्कुल, तो ये उनको उनके लिए भी बनता है कि वो चेक तो करें कि कैसी बनी है, ऐसा ना हो कि वो किसी को देने के लायक नहीं है क्या बनाया तुमने।
तो जो भाई जाके जो बूढ़े लोगों के खिलाफ भाई कसम से दिल खुश हो गया कि ऐसे चैनल को जरूर प्रमोट करना चाहिए कि जो लोगों को गरीब लोगों का जो बूढ़े हैं खाना दे रहे हैं और वो भी इतना मजेदार खाना। और एक और बात नोट की है, जो गरीब है और बूढ़े लोग है उनको ही दिया, किसी जनजवान को नहीं देखा हमने भाई साहब, देना भी नहीं चाहिए, वो खुद कमाए भाई साहब। सही बात, जो लाचार जो अंदर से मन से दुआ निकलेगी ना वो भाई गरीब लोगों और बूढ़े लोग ही दे सकते हैं। सही बात, और वो भाई ऐसे ही समझ रहे कि जैसे कोई अब अपने ये से बड़ा हो बूढ़ा हो तो भाई साहब जरा वो माँ बाप की हैसियत रखते हैं, रखते हैं उनकी जो दुआएं आती हैं वो लेनी चाहिए, तो जो जो काम जो दुआएं कर जाती है वहाँ पे दबाव भी नहीं पहुँच सकते, ये भी बड़ी बात होती है। तो भाई ऐसे लोगों को जरूर प्रमोट करना चाहिए, देखना चाहिए, और जैसे भी हो इनके चैनल को आप विजिट जरूर करें। मैंने इनके काफी वीडियोस देखी, बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, और ये जो अच्छा खाना खाने पकाने की वीडियो बनाते हैं, खाने पकाने की रेसिपी बनाते हैं। एक दफा राहुल गांधी भी गए थे इनके पास, उस वक्त भी उन्होंने मेरे ख्याल में चावल ही बनाए, हाँ इस तरह की कोई रेसिपी थी। तो ठीक है भाई, बड़ा अच्छा लगा देख के, और अपनी राय जरूर बताए कमेंट सेक्शन में कि और भी ऐसे जो अक्सर यूट्यूबर हैं जो खाने के रिलेटेड इतने बड़े लेवल पर पकाते हैं और वो खुद भी तो खाते हैं, और जो दूसरे जो गरीबों में ये दूसरे लोगों को खिलाते हैं, और भी कोई ऐसी वीडियो तो जरूर रिकमेंड कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।